महेश्वर में आयोजित मां नर्मदा हिंदू संगम के मुख्य अतिथि व महामंडेश्वर स्वामी शांति स्वरूपानंद गिरी से हमारे संवाददाता अमन वर्मा ने जानने की कोशिश की कि इस हिंदू संगम का क्या उद्देश्य है। सर, किस उद्देश्य की प्राप्ति को लेके इस हिंदू महासंगम में आपने आने को इतना महत्वपूर्ण समझा और किन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आप यहाँ पर मौजूद हुए हैं? देखो, ऐसा है कि देश में एक सबसे बड़ी समस्या धर्मांतरण है। हिंदू एक रहे, संगठित रहे, अपने धर्म में रहे, अपने धर्म से को महान समझे, इस दृष्टि से भी ये हिंदुओं का संगम होना जरूरी है। दूसरी बात, जो लोग समाज में हिंदुओं के विरुद्ध कार्य करने में निरंतर लगे रहते हैं और हिंदुओं को बरगला करके जो गरीब हैं, जो बिना पढ़े लिखे हैं, ऐसे लोगों को जो धर्मांतरित करते हैं, उन सबको यहाँ इतनी बड़ी साधु संख्या, संतों का समागम और माननीय सरसंघ चालक जी का सबको आदेश करना, ये हिंदू समाज के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इस बहाने लोगों को ये लगता है कि हमारा धर्म महान है, हम अपने धर्म में रहें। क्या लगता है आपको, अगर इस आयोजन के साथ साथ कोई शिक्षा के लिए भी, जो छोटा तबका होता है, जो दबा हुआ तबका है, जिसे अगर शिक्षा दी जाए, तो हो सकता है कि ये जो धर्मांतरण का मुद्दा है, इसे कहीं ना कहीं हम लोग कमज़ोर करने की एक प्रयत्न कर सकते हैं? तो शिक्षा के लिए, शिक्षा का स्तर भी ऊंचा उठाने के लिए, उन तबकों को शिक्षा देने के लिए भी क्या कोई माध्यम सोचा गया है संघ के द्वारा? उसके ऊपर भी कोई कार्य योजना तैयार की गई है? हाँ, वो तो सारे क्षेत्र भर में एकल विद्यालय के रूप में गांव-गांव में इस तरह के विद्यालय, शिक्षा, ताकि बच्चे शिक्षित होकर रोजगार अपना सकें, ऐसे बहुत सारे प्रकल्प चल रहे हैं और उनको और बल मिले और लोगों को ऐसा लगे कि हमारे साथ एक बड़ा समाज है, उस दृष्टि से भी ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए। सर, एक चीज़ और साफ तौर पे उभर के आ रही है, हम लोग इतना आगे पहुंच गए हैं, हर चीज़ में टेक्नोलॉजी में भारत आगे बढ़ रहा है, हर चीज़ में भारत आगे बढ़ रहा है, पर अभी भी जातिवाद एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आ रहा है, तो आप इससे बचने के लिए क्या बोलना चाहेंगे समाज को? क्या नहीं, देखिए साधु संतों ने तो सदा सब जातियों के प्रति भी एक धर्म के साथ जुड़ने को और एक तरह के संस्कारों में रहने की बात कही है। यहाँ भगवान श्री राम स्वयं सबरी के यहाँ जूठे बेर खाते हैं, भगवान कृष्ण विदुर के घर जाते हैं, तो यहाँ कुछ जो धर्म के ठेकेदार हैं, पुजारी हैं, जो इस तरह की बातें फैलाते हैं, वो ठीक नहीं है। बल्कि ये कि जो 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 श्रेष्ठ संत हैं, उन सबके बीच में छोटे बड़े का कोई भेद नहीं है। सर, क्या किस तरह से मार्गदर्शित करेंगे आप इस पूरे कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को एक अंतिम सवाल के साथ? हाँ, हम चाहेंगे कि धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म हमारी रक्षा करता है अगर हम धर्म का पालन करते हैं तो, और स्वधर्म निधनम श्रेयः, श्रेष्ठता ये है कि हम अपने धर्म को श्रेष्ठ समझकर उसी में आचरण करें और उसी में आवश्यकता पड़े तो उस धर्म के लिए हम स्वयं मर मिटें। तो इसलिए अपने धर्म की रक्षार्थ लोग आगे आए और अपने धर्म में स्थित रहे, इस तरह की प्रेरणा हम चाहेंगे कि समूचे समाज को मिले। तो हमारे साथ मौजूद थे महामंडलेश्वर जी, जो जैन चार धाम मंदिर के श्रेष्ठ पुजारी हैं और महामंडलेश्वर की पदवी प्राप्त है। उनका साफ तौर से कहना है कि धर्म एक बड़ा मंच बनकर उभरे समाज के उत्थार के लिए और भारत को आगे लेकर जाए। कैमरामैन गणेश चौहान के साथ अमन वर्मा, SR मध्य प्रदेश, महेश्वर।